गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जय स्वामीनारायण। लेसन नंबर 3 आज हम समझेंगे वीडियो के माध्यम से। पाठ का नाम है लेखनम। संस्कृत लैंग्वेज इज रिटन बाय देवनागरी स्क्रिप्ट। देवनागरी से ही संस्कृत का जो है भाषा का जन्म हुआ है। द स्क्रिप्ट ऑफ अवर मदर टंग हिंदी एंड गुजराती इज डाइवर्ट फ्रॉम द स्क्रिप्ट ऑफ देवनागरी। हिंदी और गुजराती भी देवनागरी से बना हुआ है। एक्सेप्ट श्री सिरोलेखा सम अल्फाबेट्स आर रिटन अस दे आर रिटन इन देवनागरी। देवनागरी लिपि में जो है वो सेम गुजराती और हिंदी में भी उसी तरीके से लिखा जाता है। सो दियर इंट्रोडक्शन इन ईजी, इसलिए हमारे लिए ईजी है। कप्स ऑफ सम लेटर आर डिफरेंस, कुछ एक जैसे हैं कुछ थोड़े अलग हैं। सो लेट्स अस अंडरस्टैंड देम, तो आइए समझते हैं। देखिए हिंदी में जैसे हम लिखते हैं घ, और यहाँ पे आपको खाली जगह दिया है, इसको आपको ऐसे लिखना है। मैं एक लिख के बताती हूँ आपको। जो एरो दिया है उसको ध्यान से देखिए। हिंदी में जैसे हम लिखते हैं घ से घर, पहले हम लकीर खींचेंगे, फिर उसके बाद कर्व लेना है इस तरीके से, हाफ कर्व, फिर पूरा, और उसके बाद इस तरीके से लिखना है घ। फिर ध में देखिए छोटी एक लकीर है हाफ, फिर बाजू में राउंड करके इस तरीके से हम कर्व ले लेंगे। इस तरीके से आपको पूरा करना है। मैं समझा देती हूँ, ये घ ध छ और ल, ये अल्फ़ाबेट हैं संस्कृत के। च ज अज्ञ ज्ञ, ट ठ ड द, फिर ये है प श फ रम। फिर अगले पेज में हम आते हैं जिसमें आपको और भी अल्फ़ाबेट हैं। व ब क छ र स श ख य थ म भ, फिर ड ण झ फ। फिर पेज नंबर 12 में देखिए थोड़ा सा और है, त न ग और त्र। फिर है स्वर जो है अ आ ई बड़ी ई ऊ बड़ू ऊ ए ऐ और री। संस्कृत में इतने ही स्वर होते हैं, तो ये आपको सेम देखकर अपने टेक्स्ट बुक में भी कंप्लीट करना है। जैसे अ लिखा है तो अ नीचे, आ लिखा है तो आ, अपने टेक्स्ट बुक में ही पेंसिल से कंप्लीट करिएगा। थैंक यू।